नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। डीएसएसबी को लेकर काफ़ी बच्चे जो हैं क्वेरी कर रहे थे, सर क्या डीएसएसबी जो पीआरटी की है तैयारी हम कैसे करें, जो पार्ट ए है और पार्ट बी है। सर पार्ट बी का जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है उसका सिलेबस क्या होगा, जो केवीएस में जैसे सिलेबस खोल दिया गया था क्या इसमें हमें सिलेबस मिलेगा, इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। प्लस कुछ बच्चे बोल रहे सर ये 40% वाला सिस्टम क्या है, 40% लाना अनिवार्य है नहीं तो फिर दूसरा चेक नहीं होगा आपका पार्ट बी, इन सभी जो आपके प्रश्न हैं उनका जरूर मैं जवाब दूंगा। प्लस ये भी है कि जो बच्चा इंडिविजुअल तैयारी करना चाहता है और कि किस बुक से पढ़ें, क्या कौन से कोचिंग से पढ़ें, जो आपके सवाल हैं सर तैयारी कैसे करें, किसी कोचिंग का हेल्प लें, किताबों का हेल्प लें, ठीक है, तो ये सभी सवालों के मैं जवाब दूंगा, एक एक करके दूंगा और बहुत ही सही तरीके से आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपको की तैयारी कैसे करनी है, देखो वैकेंसी आनी है और मैं यहां पर पीआरटी के बारे में बात कर रहा हूं, ना ही टीजीटी और ना पीजीटी के बारे में बात कर रहा हूं। पीआरटी में आप सभी जानते हो कि एक जो आपका पोर्शन होता है, एक जो पोर्शन आपका होता है पूरा का पूरा, वो क्या होता है, एक पोर्शन आपका जो पार्ट ए है, पार्ट ए आपका जो है वो आपका सब में कॉमन होता है, सब में एक ही जैसा होता है। तो जिनके लिए भी ये पार्ट ए कॉमन है वो सब एक स्ट्रेटेजी जान लो कि जो आपका जीके जीएस वाला पार्ट है वो आपका 20 क्वेश्चन है, जो आपका मैथ्स है एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो भी आपका 20 क्वेश्चन है, जो रीजनिंग है आपकी वो भी आपके 20 क्वेश्चन है, उसके बाद से आपका इंग्लिश जो है वो भी आपका 20 क्वेश्चन है और हिंदी भी जो है आपका वो 20 क्वेश्चन है। ये पार्ट आपको कहां से तैयार करना है वो ध्यान रखो। तो ये आपके 25 सब्जेक्ट है, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे इसको तैयार करना है, तो इसको तैयार आप किसके हेल्प से कर सकते हो, किसके लिए बुक क्या होगी, भाई देखो बुक के लिए आप अलग अलग किताबें लगाओगे। अगर आपका बेसिक एकदम नहीं पता है आपको, आपका जो बेसिक है एकदम नहीं क्लियर है आपका, तो आप कोई भी पब्लिकेशन की, चाहे अरिहंत की ले लो चाहे दिशा की ले लो, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, यहीं पे बच्चों का प्रश्न आता है कि सर सेल्फ स्टडी में तो इतनी सारी किताबें, क्योंकि आपको शुरू से गाइड भी नहीं कोई कर पाएगा। मैं यहां किताबें तो बता दूंगा, जिनको किताबों का चाहिए मेरे से बुक लिस्ट ले लेंगे, उनको मैं बुक लिस्ट आपको बता दूंगा कि भाई ये है वो। आपको जनरली कोई भी आप जीके जीएस की किताब जो फैक्ट बेसिस पे हो उसको ले लो, मैथ्स की कोई किताब ले लो जो खासकर प्रीवियस ईयर एसएससी पे हो, उन सब के जहां कॉन्सेप्ट थोड़ा दिया गया हो, ठीक है, जैसे पैरामाउंट वाली हो गई, ऐसी चीजें किताबें हो गई। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर किताब तो ले लोगे लेकिन समझ नहीं पाओगे कि कैसे उसको स्टडी करें, दुनिया भर की किताबें हो जाएंगी, तब सब कहते हो कि सर कोचिंग कौन सी बेहतर रहेगी, कैसा कोचिंग करें, ठीक है। कोचिंग में क्या है, कोचिंग का एक खास बात है, कोचिंग मतलब आजकल की दुनिया में कोचिंग क्या हो गया, ऑनलाइन यूट्यूब वाला हो गया है, ठीक है। तो कोचिंग इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोचिंग में आपका क्या है, इसके कई लोग तो बहुत ज्यादा फीस रखे हैं जो नहीं बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमारी संस्था ऐसी नहीं है, मिनिमम जितना हो सकता है भाई हम अपना कॉस्ट नहीं लेते हैं, जो बाहर से टीचर आप लोगों के बुलाएंगे स्पेशल उन्हीं का और जो आपके मटेरियल में जाए वही निकल आए, उतना कॉस्ट लेते हैं, बाकी और कोई फैकल्टी आपकी हमारी कॉस्ट नहीं लेती है। पूरे YouTube पे आप देख लीजिएगा, इससे मिनिमम डीएसएसबी का कोर्स नहीं होगा। तो कोचिंग में ये हो जाता है कि आपको एक सीरियल वाइज टीचर की गाइडेंस मिल जाती है, प्रॉपर आपको गाइडेंस मिलती है कि कैसे आपको पढ़ना है। रही बात डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन की किताब लोगे कंफ्यूज रहोगे कैसे पढ़े कैसे ना पढ़े, यहां पे आपको कोचिंग के थ्रू जो आपका है वो नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा और वो नोट्स एकदम कॉन्साइज होगा कम समय में, क्योंकि इतना समय नहीं है आप सभी किताबें पढ़ोगे, और जाहिर सी बात है इस वैकेंसी की टीचर है मैक्सिमम महिलाएं होंगी, जाहिर सी बात है उनका हो सकता है कि ये पार्ट पार्ट ए ना उतना स्ट्रांग हो, ठीक है, इसमें उतना सहज ना हो उनको, तो उनके लिए फिर शुरू से सभी किताबें पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। हाँ वो हाँ अगर कि कोई कि जिसका ये पार्ट स्ट्रांग है उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा भाई आप प्रैक्टिस करो, तब आप ना किसी कोचिंग पे पढ़ो ना कोई किसी का सहारा लो, आप उतना सक्षम हो, आप पढ़े हो, कई एग्जाम दे चुके हो,
तो भैया आप क्या करो, बुक में आप प्रैक्टिस सेट लो ना, अब बुक में प्रैक्टिस सेट लो, साथ ही साथ आप डीएसएसबी की, जो डीएसएसबी के एग्जाम है, जो भी एग्जाम हुए, चाहे पटवारी हुआ हो, चाहे कभी भी टीजीटी हुआ हो, पीजीटी हुआ, पीआरटी हुआ हो, कोई भी एग्जाम क्लर्क हुआ हो, उसमें उसका जो पार्ट ए होता है सब में कॉमन होता है, तो उसके क्वेश्चन आप क्या करो, देख डालो, उसके क्वेश्चन देख डालो, उसी के बेसिस पे आपका यहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं एसएससी के पूरे छान मारो, एसएससी के रिसेंट ये मैं बोलूंगा कि क्योंकि एसएससी की जैसा है तो एसएससी के रिसेंट दो तीन सालों का, रिसेंट आप थ्री ईयर का पेपर देख डालो, बस उसके पैटर्न को देख डालो दो से तीन साल का, बाकी आप डीएसएसबी के सभी प्रश्न देख डालो जो इधर दो तीन सालों में हुए हैं, पेपर अभी हुए हैं, उसके प्रश्न को देख डालो। ये उनकी हो गई जिनकी तैयारी है, जिनकी तैयारी नहीं है, वो इस पार्ट में सहज नहीं महसूस कर रहे, तो इसके लिए तो निश्चिंत रहो, ये आपको रमन सर कवर कराएंगे, ठीक है, रमन सर कवर कराएंगे, ये आपके आलोक सर एकदम बेहतरीन मैथ पढ़ाते हैं, आप देखे भी होंगे केवीएस में जो उनसे पढ़ा होगा, रीजनिंग मेरा पार्ट है एकदम बेहतरीन तरीके से, ये मेरा खुद का हर बैच में पढ़ाऊं, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, इस 20 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपका 19 प्लस ही आएगा मार्क्स, तो ये मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैथ ये आपके आलोक सर पढ़ाएंगे, इंग्लिश आप देखते हो केवीएस में इतना जबरदस्त आपके सर्वेश सर पढ़ाए थे, जो किसी का तोड़ नहीं है और फ्री ऑफ कंटेंट दिए थे, तो सर्वेश सर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। हिंदी में आपको जो है यहाँ पर अरुण सर मिलेंगे, उनकी हिंदी माशाल्लाह है, मतलब आप तोड़ ही नहीं सकते कि हिंदी भी ऐसे पढ़ी जा सकती है, आप बच्चों के वीडियो देखिएगा, कमेंट देखिएगा कि सर पहली दफा ऐसी हिंदी हम पढ़ रहे हैं कि हिंदी भी ऐसी पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर ये आपको टॉप फैकल्टी मिलेंगी, ठीक है। तो ये पार्ट ए, आपको एकदम इसमें कुछ सोचना नहीं है, इन सभी के नोट्स और प्रैक्टिस सेट ये आपको प्रोवाइड कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपको भटकने की जरूरत नहीं है, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, ये चीजें आपको प्रॉपर मिलेंगी। आपके जो डाउट सेशन होंगे, जो भी आपके डाउट सेशन होंगे, वो सब हम लोग हैंडल करेंगे, जूम मीटिंग आपसे करेंगे इसमें, तो ये सब चीजें टारगेट बैच में यही होता है, जूम मीटिंग करेंगे आपसे हम लोग, जो भी आपकी कमियां होंगी, आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी, उसको हम लोग बताएंगे, तो ये हमारे फीचर्स होंगे जो मैंने बता दिया। भाई जो जिसका तैयार है वो प्रैक्टिस करो, मैं नहीं कह रहा हूं आप बैच से जुड़ो, हाँ जिसका, जिस बंदे का नहीं तैयार है उसके लिए तो एक ऑप्शन होता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए, तो गाइडेंस आप कहां कहीं से भी ले सकते हो, मैं कोई कह नहीं रहा हूं कि मेरी कोचिंग से लो, आप जहां से भी लो, ये चीजें आपको प्रॉपर मिल जाती हैं, ठीक है। रही बात कि अब यहां पर कि ये मैंने पार्ट ए के बारे में बता दिया, और जो 40% वाला लोचा है ना, इसमें आपको 40 क्वेश्चन तो सही करना ही है, ठीक है, 40 मार्क्स आपके आने चाहिए, अगर 40 मार्क्स नहीं आए तो आपका जो पार्ट बी है, जो पार्ट बी है वो चेक नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें 40% मार्क्स, 40 से ही काम नहीं चलेगा, कंपटीशन इतना टफ है कि 40 से तो खाली ये आपका क्वालिफाइंग है, अगर ये नहीं पाए तो आपके पेपर देने का कोई मतलब नहीं है, तो आप ऐसा देख लो कि आप किस स्थिति पे लाई कर रहे हो, खासकर पार्ट ए में, क्योंकि उसका भी वेटेज उतना है जितना आपका पार्ट बी का वेटेज है। अब अगर हम बात कर लें यहां पर पार्ट बी के बारे में, ठीक है, पार्ट बी के बारे में बात कर लें, तो अभी मैं पीआरटी के बारे में बात कर रहा हूं सिर्फ, तो पीआरटी में भैया 100 क्वेश्चन आपका क्या है, साइकोलॉजी वाला है, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी वाला है, मतलब जो सीडीपी वाला पार्ट है, और इसकी जो सीडीपी होती है सबसे टफ आती है, सभी एग्जाम से आपकी थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है, ये कह सकते हो इसकी, क्यों, क्योंकि इसमें ना तो सिलेबस को एक्सप्लोर किया है, सिलेबस को एक्सप्लोर नहीं किया है, तो सिलेबस को जब एक्सप्लोर नहीं किया तो आप किस टॉपिक से कितना प्रश्न आएगा कुछ भी नहीं पता है। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस 100 क्वेश्चन में भी आपको 40 मार्क्स तो ले आना कंपलसरी है, अगर इसमें भी नहीं लाए और पहले वाले में आप अच्छा मार्क्स लाए हो, आप उसमें 90 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो, किसी का बहुत अच्छा है, एसएससी का स्टूडेंट है, और इसमें नहीं ले पाए 40 मार्क्स, तब भी आप लटक गए, समझ गए, तभी भी आप लटक गए, ठीक, और उसमें लटक गए तो ये चेक ही नहीं होगा, ये जान लेना, तो ये आपका 40 मार्क्स का ये खेला है। अब सीडीपी आपको बहुत ही आपका कॉन्सेप्चुअल वे में क्वेश्चन पूछता है, आपका जो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मेंटल थिंकिंग पर पूछा जाता है क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर देखना इसका, फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, इसके लिए बुक क्या होगी, देखो भाई जिसको बहुत डिटेल, क्योंकि इतना समय नहीं है, एनआईयूएस की किताबें पढ़ सकता है, जो डीएलएड की किताबें आती हैं,
ठीक है, डीएलएड की किताबें जो एनआईयूएस है उसकी पढ़ सकता है, या आप साइकोलॉजी की जो किताब होती है, ठीक है, साइकोलॉजी की किताब एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की पढ़ सकता है, यहां से उसको आइडिया मिल जाएगा। एनआईयूएस या आप इसकी मैं बोलूं साइकोलॉजी की एनसीईआरटी क्लास 11th 12th की मनोविज्ञान की किताब आप पढ़ सकते हो, ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन यही बात है कि जो आपके अगर फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए इतना समय का है ना, ये उसकी किताब पढ़ने बैठोगे इतनी बोरिंग होती है ना, उसको खोल भी लिए तो मन ही नहीं करता, रुचि ही नहीं आती है। और आपको तो एग्जाम क्रैक करना है भाई, वो आपको एग्जाम डीएलएड थोड़ी पढ़ना है, अब एनसीईआरटी भी सबके बस की बात नहीं होता कि वो पढ़ ले। हाँ, उसी के बेसिस पे हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, वो हमारी बैच में होगा। हाँ, जिसने पढ़ रखा है पहले से, उसको सब कुछ आता है, सर्व ज्ञानी है, तो उसके लिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, उसका क्या है भैया, क्या करो, पीवाईक्यू ले लो, उसके लिए तो रामबाण पीवाईक्यू, आप दिशा पब्लिकेशन की ले लो, किरण पब्लिकेशन की ले लो, किसी की भी ले लो, प्रीवियस ईयर यूथ की आती है, ठीक है, यूपी में यूथ की आती है, आप उसके क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है। क्यों मैंने कहा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देता है, बड़े बड़े क्वेश्चन। यहां पर आपको थोड़ा सा सीडीपी का हेल्प मिल जाएगा, जो सीडीपी आपको सब्जेक्ट वाइज जो पेडागॉजी पूछी जाती है ना, यहां पे जो पेडागॉजी है सब्जेक्ट की, जैसे मान लो इंग्लिश की हो गई, हिंदी की हो गई, इंग्लिश की हो गई, हिंदी की हो गई, मैथ की हो गई, इसकी जो पेडागॉजी के प्रश्न बनते हैं खासकर, वो भी आपका इसमें पूछ लिया जाता है, जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है ना डीएसएसबी में, वो आपको इसके भी प्रश्न पूछ लेता है। तो अगर आपने सीडीपी में सब्जेक्ट की पेडागॉजी तैयार की हो तो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगा। और उसके खासकर जो आप, जिसे मैंने कहा सीडीपी में, तो ये पेडागॉजी सब में किसमें आता है, सीटेट और यूपीटेट में आता है, आप देखे होंगे। तो मैं कहूंगा सीटेट को फॉलो करो क्योंकि ये केंद्र का है, तो सीटेट को जो फॉलो करोगे तो सीटेट की जितने भी आपके पेडागॉजी के प्रश्न है वो आपको हेल्प करेंगे, किसमें, आपको यहां पर डीएसएसबी के साइकोलॉजी में, जो डीएसएसबी का पेडागॉजी है आपका, ठीक है, जो डीएसएसबी का पेडागॉजी है उसमें हेल्प करेगा, ठीक है, जो सीडीपी वाला पोर्शन है। बाकी मैंने कहा पीवाईक्यू आपको सबको लेना है, चाहे वो नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है, पुराने के लिए भाई पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करो क्योंकि वहां से आपको हेल्प मिलेगा। आप मैक्सिमम जो रिसेंट के ऑनलाइन एग्जाम हुए, बहुत पुराने नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऑफलाइन पे जाओ, जब ऑफलाइन होता था, जब से ऑनलाइन हुआ है ना आपका संस्था, तब से आप देखो उसके प्रैक्टिस करो, ठीक है, ये आपको काम करना है। अब बचे बात की सर, अब यहां पर हमारे बैच में जो परीक्षा प्लस बैच आपको देगा उसमें क्या मिलेगा, उसमें आपको जो है पेडोलॉजी का, जो पेडोलॉजी वाला पार्ट है आपका, साइकोलॉजी वाला पार्ट है, ठीक है, जो साइकोलॉजी वाला पार्ट है इसमें आपको पूरे नोट्स मिलेंगे जितना हो सकता, क्योंकि यहां पर सिलेबस डिफाइंड नहीं है आपके पास, लेकिन जो उसके पेपर है उसके बेसिस पे एनालिसिस करके उसके कॉन्साइज नोट्स आपको बनाए जाएंगे, और वे नोट्स आपके एनआईओएस और एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड आपके नोट्स दिए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये नोट्स भी आओगे। उसके बाद से टीचर के द्वारा यहां पे आपको प्रैक्टिस क्लास ली जाएगी, प्रैक्टिस क्लास ली जाएगी कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, क्या चेंजेस हो सकते हैं आपको, मैंने कहा। उसके बाद से आपको पीवाईक्यू के लिए मैं बता दूंगा, भाई पीवाईक्यू मैंने बताया दिया, यूथ की आप ले सकते हो, ये तो आपको लेना ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा और इसका एनालिसिस भी कराया जाएगा, ये डिस्कशन भी किया जाएगा, ये सब चीजें हम आपको कराएंगे। तो एक जगह अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और जितने में आप सब किताबें लेकर आओगे ना उतने में ही परीक्षा प्लस का ये कोर्स है, उतने में आप जाओगे। तो ये देखो ये कोर्स है, मात्र अगर ऑफर प्राइस चल रहा है इसका, बेस प्राइस सभी आप पूरे यूट्यूब पे छान मारो, इतना कोई प्राइस दे दे तो बता देना, 799 रुपया मात्र में आपको पूरा डीएसएसबी का पीआरटी बैच पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिल रहा है, पार्ट ए और पार्ट बी आपको पूरा का पूरा मिल रहा है, जिसमें आपको पूरा लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डेड ऑनलाइन सेक्शनल टेस्ट आपका मिलेगा, उसके बाद से आपके पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और सिलेबस की रणनीति और विषयवार पेपर सॉल्विंग टिक्स, आपको कैसे सॉल्व करना है पेपर आपके जो स्टेटमेंट वाइज, क्योंकि यहां पे देखो जो पेडागॉजी का पार्ट है ना, जो
जो आपका पेडोलॉजी वाला पार्ट है, जो पेडोलॉजी वाला पार्ट है, इसमें आपके जो क्वेश्चंस का स्तर होता है सभी एग्जाम से ऊपर होता है, हाई होता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं आपके मेंटल आपका जो होता है, आपने जो भी टीचिंग एक्सपीरियंसेस होंगे, चाहे आपने जो पढ़ा है बीएड में या डीएलएड में, उन्हीं का पार्ट आपसे यहां से क्वेश्चन पूछता है और बड़े होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं। इसलिए एक बात और है कि आपको टाइम मैनेज करके भी चलना है इस एग्जाम में, टाइम मैनेज भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में आपको टाइम लगता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि दो ही घंटा में आपको 200 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, जिसको भी ये बैच लेना है, मैं ये कह रहा हूं, जो इंटरेस्टेड है, जो चाहते हैं एक ही जगह सब कुछ मिल जाए, वो परीक्षा प्लस प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो, ठीक है। वहां पे आप जाओगे तो डीएसएसपी का पीआरटी बैच होगा, वो आप परचेस कर लो, और ये बैच आपका अगले सप्ताह से चलना स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पेडोगॉजी के लिए आपको बेस्ट से बेस्ट जो डीएसएसपी बेस्ड जो आपके टीचर हैं, जो खुद बच्चों को पढ़ाए हैं डीएसएसपी के लिए, डीएसएसपी के लिए वही आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि अब इतना सब सर बता दिए तो इसमें कितना स्कोर आपका सेफ स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा। अभी एग्जाम पेपर कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है उसके बिहाफ में मैं एक ही बात करूंगा कि भाई साहब देखो कि केवीएस में आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट माना जा रहा है कि 130 से ऊपर वाले सेफ हैं पीआरटी में। इसमें भी मैं यही बोलूंगा कि जिनके भी 130 से 135 से ऊपर मार्क्स आएगा, 135 प्लस मार्क्स वाले, इसमें भी 135 प्लस मार्क्स वाले सेफ होंगे। अब कहोगे सर जी यहां तो वैकेंसी 6000 थी, तो 130 है और यहां तो वैकेंसी मात्र 1000 के अप्रोक्स है, आप कैसे 135 ही बोल रहे हैं। बच्चा यहां पर क्या है कि आपका लेवल जो था पेपर का आसान होता है, लेकिन यहां पे पेपर का लेवल टफ होगा। यहां पर कैंडिडेट जो होंगे डीएसएसबी में, DSSB में आपके क्या होंगे, कैंडिडेट उतने नहीं होंगे जितने आपके, कैंडिडेट की संख्या जो होगी यहां पर लो होगी, मतलब कम होगी। यहां पर ऑल ओवर जॉब थी, केंद्रीय विद्यालय ऑल ओवर इंडिया में है, तो कहीं ना कहीं इसको हर प्रांत के बच्चे भरते हैं। डीएसएसबी में जॉब है तो डीएसएसबी में मतलब दिल्ली में आपको जॉब करना है, तो अलग प्रांत वाले बच्चे उतना सुटेबल नहीं होते हैं कि हम दिल्ली में अपना प्रदेश छोड़ के दिल्ली में जाएं जॉब करने के लिए। इस वजह से यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या कम हो जाती है, यहाँ ज्यादा होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन उस हिसाब से कम होता है केवीएस की अपेक्षा। इसलिए मैंने बोला कि 135 से ऊपर वाले, 135 से 140 वाले अपने आप को सेफ स्कोर में समझे, ये लाने की कोशिश करें, क्योंकि पेपर भी टफ होता है, इसलिए मैंने बात किया। इससे पहले जो आपके कट ऑफ थे, शायद पुराने कट ऑफ मुझे जहां तक याद आ रहे हैं कुछ 117 या 121 के अप्रोक्स में कट ऑफ रहे हैं, इसी के बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। डीएसएसबी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपका बैच से रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं। अगर कोई और समस्या है तो आप इन नंबर पे जो नीचे नंबर चल रहे हैं, या मैं यहां पे जो बोर्ड पे लिख दिया हूं, इससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो कॉल के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। जो भी समस्याएं होंगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। डीएसएसबी से रिलेटेड जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं बताऊंगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा आप कमेंट करिएगा। जैसे ही डीएसएसपी का कोई नोटिफिकेशन या कोई हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम जरूर आपके सामने आएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।